एवरीवन, वेलकम बैक. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज मैं एक स्किन केयर वीडियो लाई हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ माय फेस इज लुकिंग अ लिटिल बिट स्वेल अप, इट्स जस्ट मैं थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग शूट कर रही हूँ, सो इट विल टेक इट स्वीट लिटिल टाइम टू सेटल डाउन. सो प्लीज़ इग्नोर दैट. ऑल्सो कंसिडर माई वॉइस ऑल्सो इन दैट. सो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं एक स्किन केयर वीडियो लेकर आई हूँ. दैट इज़ अ फेशियल वीडियो. आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द न्यूली लॉन्च्ड पॉन्ड्स फेशियल किट्स. मेरे पास यहाँ दोनों ही हैं अवेलेबल. एक है उनकी पॉन्ड्स चारकोल एंटी पॉल्यूशन फेशियल किट, दिस इज द वन. और दूसरा है पॉन्ड्स वाइटमिन ब्राइटनिंग फेशियल किट, जो कि ये पिंक कलर की है. सो आज मैं इनमें से कोई एक ट्राई करने वाली हूँ. मेरे को काफ़ी ज़्यादा यू नो ब्लैक हेड्स हो रहे हैं. मैं क्लीन अप करने ही वाली थी, देन आई थॉट कि आपके सामने ट्राई आउट करते हैं इनको एंड लेट्स जस्ट सी कि ये कैसा है. ऑल्सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनके प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं. ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में अवेलेबल है. दैट इज़ अ डिसेंट अमाउंट एंड एन अफोर्डेबल प्राइस फॉर अ फेशियल किट जो आप घर पे यूज़ कर सकते हो. एंड आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह ईजिली मिल जाएंगे बिकॉज पॉन्ड्स इज़ ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर. सो ये ट्राई करेंगे, हम दोनों के बारे में बात करेंगे. बट आई विल ट्राई द चारकोल वन बिकॉज मुझे थोड़े से ब्लैक हेड्स हो रहे हैं एंड एनी विच वेज मुझे यूज़ ही करना था तो मैं डायरेक्ट यही यूज़ कर लेती हूँ. सो यस, बट हम बात ब्राइटनिंग वाले के बारे में भी करेंगे. हम अपनी बिफोर स्किन चेकआउट कर लेते हैं, आप भी चेकआउट करो, मैं भी देख लेती हूँ, फिर उसके बाद हमें डिफरेंस दिखेगा आफ्टर स्किन का. तो यस, दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स. मैं चारकोल वाला यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने इसका थोड़ा सा चेकआउट करा बिकॉज प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है. सो मैंने चेकआउट करा, इसको थोड़ा सा सर्च आउट करा एंड इंग्रेडिएंट्स एंड क्लेम्स एंड बेनिफिट्स इनके चेकआउट करे. तो सेकेंडली इनका जो क्लेम्स हैं, दैट इज़ इट रिस्टोर्स मॉइस्चर्स एंड गेट ग्लोइंग स्किन विद पॉन्ड्स फेशियल किट इन जस्ट 6 इजी स्टेप्स. ओके, 6 स्टेप्स हैं इसमें. यूज पॉन्ड्स फेशियल किट विद एक्टिवेटेड चारकोल टू डिटॉक्सिफाई स्किन फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड डैमेज कॉज बाय पॉल्यूशन. एक्सफोलिएट स्किन जेंटली एंड रिमूव ब्लैक हेड्स ईजिली विद अ DIY फेशियल एट होम विद पॉन्ड्स. यूज विद वाइटामिन और एक्टिवेटेड चारकोल कपल्ड विद गुडनेस ऑफ वाइटामिन ई एंड B3. दैट इज अ गुड थिंग. लोडेड विद ग्लिसरीन, ओके, क्ले, ओके, ओट एक्सट्रैक्ट फॉर अ मॉइस्चराइज्ड हेल्दी ग्लो. डिटेल इंग्रेडिएंट्स ब्रेकडाउन पर प्रोडक्ट मेंशन इन द ग्रिड. ओके, मतलब बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर मेंशन है. ओके, यहाँ पर मेंशन है डिटेल में कि इसमें इन्होंने क्या क्या पर सैशेज या पर प्रोडक्ट पर स्टेप क्या क्या डाला है. सो इसको ओपन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. एंड वाओ, यहाँ पर हमें मिलते हैं ट्यूब्स. दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आप ट्यूब से काफ़ी यूजर्स निकाल सकते हो एंड ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड हाइजीनिक वाले साइड पे आ जाते हैं देन टू सैशेज. बिकॉज सैशेज में अगर आप वन टाइम यूज़ कर रहे हो और उसे रिस्टोर करके रख रहे हो तो उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता है, हाइजीनिक नहीं रहता है फॉर योर स्किन टू यूज़ फॉर द सेकेंड टाइम. तो यू हैव टू ग्रैब अ पार्टनर. तो वो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ये ट्यूब्स वाला यूज़ करो बिकॉज ट्यूब में आप काफ़ी यूजर्स तो निकाल ही सकते हो एंड प्लस ये आप ईजिली रिस्टोर भी करके रख सकते हो. सो दैट इज़ अ गुड थिंग, काफ़ी अच्छा है ये. सो हमें 6 स्टेप्स मिलते हैं, हर स्टेप पे 1, 2 एंड 3 मेंशन है जैसे कि यहाँ पर मेंशन है. सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सारे जो प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसमें, सब 12 ग्राम्स हैं हर एक ट्यूब में. सो यस, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है दैट इज़ 9/20 एंड इट इज़ गुड बिफोर 8/21. दैट इज़ द थिंग. हमारे सारे स्टेप्स लिखे हैं और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, लाइक क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारा यहाँ मेंशन है और उसे अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर भी यहाँ मेंशन है. और अगर बात करें, जल्दी से बात कर लेते हैं फिर हम उसको यूज़ करेंगे. अगर बात करें पॉन्ड्स की ब्राइटनिंग वाली फेशियल किट की, सो इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो है पॉन्ड्स का डीप पोर क्लेंजर. ओके, तो क्लेंजर यहाँ पर हमारे पास ML के फॉर्म में है. तो मतलब ओके, सो वी गेट द क्लेंजर इन दिस छोटू सा बॉटल. दैट इज़ एक छोटा सा बॉटल वाला क्लेंजर, बट उसमें हमें ट्यूब के फॉर्म में क्लेंजर मिल रहा है, लाइक फेस वॉश मिल रहा है हमें. 12 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है हमें एंड बस क्लेंजर में 20 ml ऑफ द प्रोडक्ट. अगैन 300 रुपीज़. इसका जो
दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग डेट इनकी जो है वो है 6:20 एंड इट इज़ बेस्ट बिफोर 11:21। एंड अगेन यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हैं, हर पैक में जो जो चीज़ें हैं वो मेंशन है, और इन्हें अप्लाई करने का प्रोसीजर के लिए हम ये ट्राई आउट करते हैं। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो इसमें हमारे पास सिक्स ट्यूब्स आ जाते हैं यहाँ पर। जो इनका फर्स्ट ट्यूब है वो है ये फेस वॉश। एंड फेस वॉश का जो कहना है वो है ये एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश, इट इज़ विद एक्टिवेटेड कार्बन, दिस फॉर्मूला रिमूव्स द इम्प्योरिटीज एंड पॉल्यूशन पार्टिकल्स, वेट योर फेस, क्रिएट लैदर, जेंटली मसाज ऑन टू फेस एंड नेक एंड देन रिंस ऑफ। ओके, सो इट इज़ लाइक सिमिलर वैसा ही है जैसा कि यू नो पॉन्स का जो चारकोल फेस वॉश है, बिल्कुल वैसा ही कंसिस्टेंसी है और दिखने में भी वैसा ही है। लेट्स जस्ट अप्लाई इट। कुल्की क्लीन हो गई है, बस थोड़ी सी रेडनेस है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आईब्रोज एंड अपर लिप्स किए थे थोड़ा सा, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। ओके, तो अब हम सेकेंड वाला स्टेप करेंगे एंड सेकेंड स्टेप इज़ स्क्रब। तो दिस इज़ अ पॉन्ड्स पॉल्यूशन ऑफ स्क्रब एनरिच्ड विद वॉलनट शेल पाउडर। ओके, इट हेल्प्स एक्सफोलिएट डेड सेल्स एंड रिमूव एक्सेसिव ऑयल। अप्लाई द स्क्रब ऑल ओवर द फेस, मसाज जेंटली इन द अपवर्ड एंड आउटवर्ड सर्कुलर मोशंस फॉर एटलीस्ट 5 to 7 minutes। यूज वाटर इफ नीडेड एंड बी वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल विद द स्ट्रोक, वाइप इट ऑफ। वॉलनट शेल पाउडर्स हैं, तो इसमें डायरेक्ट वॉलनट के स्क्रब्स नहीं है। जैसे वॉलनट के बीड्स होते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा पोकिंग और हार्श हो जाते हैं स्किन के लिए। इसमें वॉलनट शेल का पाउडर है। सो लेट्स जस्ट सी कि ये कैसा वर्क करता है, बिकॉज मुझे ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। सो मैं थोड़ा सा फेस वेट कर लेती हूँ। ओके, तो ये एक वाइट कंसिस्टेंसी में ही है, वाइट कलर में है, एंड इसमें स्क्रब बीड पार्टिकल्स मुझे दिख तो रहे हैं। लेट्स जस्ट ओके, तो ये बहुत ज़्यादा टेनी है, ज़्यादा हार्श नहीं फील हो रहा है मुझे हाथ पे। लेट्स जस्ट अप्लाई इट एंड द फ्रेगनेंस इज बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है यार। ये ज़्यादा हार्श नहीं है फेस पे, मतलब मैं इजीली स्क्रब कर पा रही हूँ एंड इवन बीड्स लग रहा है मुझे। ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, इवनली मुझे स्प्रेड हो रहा है मेरे फेस पे, तो मुझे इवन बीड्स लग रहे हैं। सो एंड फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, लाइक टिपिकल पॉन्ड्स की जो फ्रेगनेंस होती है, बहुत अच्छी लग रही है। क्लीन कराए, स्क्रब कराए और कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा फेस इरिटेट हुआ है या फिर छिला है कहीं से भी। तो इसके बीड्स काफ़ी अच्छे थे एंड काफ़ी सॉफ्ट भी लग रही है मुझे स्किन। एंड रही बात ब्लैक हेड्स की, तो इसने काफ़ी हद तक मेरे ब्लैक हेड्स निकाले हैं। वाइट हेड्स हल्के बहुत विजिबल हैं, बट ब्लैक हेड्स जो हैं वो बहुत हद तक क्लीन हो चुके हैं। सो आई कैन सी दैट। सो यूजुअली इस स्टेप के बाद मैं जब भी फेशियल करती हूँ तो स्टीम लेती हूँ, बट क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर चांस देना चाहती हूँ इस पूरे फेशियल किट को, सो मैं स्टीम स्किप करूँगी एंड हम थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे जो है नरिशिंग क्रीम। सो दिस इज़ नरिशिंग क्रीम, पॉन्ड्स रिवाइटलाइजिंग क्रीम विद वाइटामिन B3 एंड वाइटामिन ई, इट हाइड्रेट्स योर स्किन। अप्लाई द नरिशिंग क्रीम ऑल ओवर द फेस एंड नेक, मसाज जेंटली एंड विद फिंगर टिप्स टिल इट गेट एब्जॉर्ब। तो बस इसको एब्जॉर्ब करना है फेस में एंड अप्लाई करना है। सो वील टेक दिस। ओके, तो ये थोड़ा सा जेल लाइक कंसिस्टेंसी की है, लाइक क्रीम कंसिस्टेंसी है प्रॉपर, इसकी जेल भी नहीं है, क्रीम कंसिस्टेंसी है। सो वील अप्लाई दिस और बहुत सॉफ्ट है ये। एंड द फ्रेगनेंस इज अगैन टिपिकल पॉन्ड्स फ्रेगनेंस, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो आई टेक सम मोर। नीदर टू रनी नॉर टू थिक, तो ईजिली स्किन में मॉइस्चराइज हो एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। एंड आप देख सकते हो कि मुझे ये हाइड्रेशन इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट इज़ विंटर टाइम एंड इतना हाइड्रेशन तो सबकी स्किन को चाहिए ही होता है। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी स्किन में। करें तो हमेशा उसे अपवर्ड मोशंस में अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन अपलिफ्टेड रहे और रिंकल्स जल्दी ना पड़े। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू जब भी क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई करें।
बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुकी है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, लाइक ये देख रहे हो आप, फिसल रही है, फिसल रही है, ये तो आप देख सकते हो ना कि कैसे ग्लाइड कर रही है मेरी फिंगर्स मेरी स्किन पे, लाइक कैन यू सी दैट। सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई मेरी स्किन एंड मेरा मन नहीं कर रहा रुकने का। आर फोर्थ स्टेप जो कि है एक मसाज क्रीम, दिस इज पॉन्ड्स डीप मसाज क्रीम विद ग्लिसरीन, इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन टू गिव यू अ हेल्दी ग्लो, टेक द क्रीम ऑन योर फिंगर टिप्स एंड अप्लाई ऑल ओवर द फेस एंड नेक, मसाज द लाइट सर्कुलर अपवर्ड स्ट्रोक फॉर 10 to 15 मिनट, यूज वाटर इफ नीडेड, वाइप ऑफ विद मॉइस्ट कॉटन। तो पानी के साथ इसको थोड़ा सा मिलाकर यूज़ करना है, पूरे फेस पे मसाज करना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता और एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन पे, एंड देन इसको क्या करना है एंड वाइप ऑफ विद मॉइस्ट कॉटन। तो अगर ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ओके नहीं स्किन में अब्जॉर्ब नहीं करना है इसको, मैंने पानी के साथ मिक्स करके अच्छे से मसाज करना है एंड देन इसको क्लीन कर लेना है कॉटन से। सो मैं वही करती हूँ, मैं इसको ओके सो ये एज सच मसाजिंग क्रीम्स जैसी होती हैं, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी का है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी एंड देन फेस को मसाज करूंगी। फिफ्थ स्टेप है वो है पील ऑफ मास्क, वी आर वेरी नियर टू द एंड ऑफ दिस फेशियल। सो जो फिफ्थ स्टेप है वो है पील ऑफ मास्क, इट इज़ पॉन्ड्स चारकोल पील ऑफ मास्क एनरिच्ड विद बैम्बू चारकोल एंड हेल्प्स रिमूव ब्लैकहेड्स टू ब्राइटन योर स्किन। फाइनली एक चीज़ ऐसी जो मेरे ब्लैकहेड्स को फोकस करेगी, वाइट हेड्स को बेसिकली, क्योंकि ब्लैकहेड्स बहुत हद तक स्क्रब से निकल चुके थे। अप्लाई द मास्क इन अ थिन लेयर इवन लेयर ऑल ओवर द फेस एंड नेक अवॉइडिंग द आई एरिया, कीप इट फॉर 15 to 20 मिनट्स टू लेट इट ड्राई, पील ऑफ फ्रॉम द फोरहेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द चिन, वॉश ऑफ इफ रिक्वायर्ड, लाइक अ प्रॉपर जो पील ऑफ मास्क होता है ना ब्लैक कलर का, दिस इज लाइक ओके दिस इज लाइक दैट ओनली। फ्रेगनेंस है एंड दिस इज हाउ द फेस मास्क लुक्स राइट इन हेयर। इन्होंने कहा थिन लेयर अप्लाई करना है तो मैंने थिन लेयर अप्लाई करा है, लेट्स जस्ट वेट इसका ड्राई होने तक का एंड देन हम इसको पील ऑफ करेंगे। बट सो ये ड्राई हो चुका है एंड अब मैं इसको पील ऑफ करूंगी। सिक्स स्टेप करेंगे जो कि है सिक्स और लास्ट स्टेप जो कि है फिनिशिंग क्रीम, इट इज़ पॉन्ड्स पॉल्यूशन प्रोटेक्ट क्रीम, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड रिस्टोर ग्लो, टेक द क्रीम ऑन योर फिंगर टिप्स एंड जेंटली अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड नेक, एंड टिल नाउ माई स्किन इज लुकिंग वेरी सॉफ्ट, फीलिंग वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है मेरी। द क्रीम इज लाइक सो, सो दिस इज़ द आफ्टर स्किन, मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही है पूरे फेशियल के बाद एंड आई फील मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है, आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हो। सो यस बहुत ज़्यादा स्क्वीकी क्लीन हो गई है एंड येट इट फील्स मॉइस्चराइज, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रही हो बट मॉइस्चराइज फील हो रही है एंड क्लीन भी बहुत हो गई है। रिगार्डिंग माई ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, वो बहुत हद तक निकल गए, स्क्रब से भी निकले और पील ऑफ मास्क से भी निकले। सो यस एंड स्किन बहुत सॉफ्ट भी फील हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है एंड मुझे अभी तक तो कोई ब्रेकआउट्स नहीं है एंड मुझे मोस्टली ब्रेकआउट्स होते भी नहीं है फेशियल किट्स यूज़ करने के बाद। सो यस फॉर मी इट डिड अ ग्रेट। वीडियो को सम अप करें तो हम इसके की पॉइंट्स चेकआउट करते हैं जो हमें अच्छे लगे हैं, मुझे जो अच्छे लगे हैं वो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये है, दो पॉइंट्स एक बहुत बड़ी ब्रांड है येट इनका जो प्रोडक्ट का प्राइसेज है बहुत अफोर्डेबल है, 300 रुपीज़ में आपको फेशियल किट्स मिल रही हैं। सेकेंड ये वैसे डिसेंट, मतलब वैसे जो प्रॉपर डायमंड फेशियल किट या गोल्ड फेशियल किट होता है वो सबसे बहुत ही डिफरेंट एक फेशियल किट्स लाए हैं, जो कि आपकी चारकोल फेशियल किट है या आपका ब्राइटनिंग फेशियल किट है, तो वो आपको
आपको डायमंड सोने चांदी जैसा निखार के अलावा भी बहुत सारा काम आपके फेस पे कर सकता है, डिटॉक्सिफाई करेगा, ब्राइट करेगा आपकी स्किन को। सो ये दो अलग अलग वेरिएंट्स लेकर आए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। थर्ड, इसमें आपको सैशेज नहीं मिल रहे हैं जो कि अनहाइजीनिक रहते हैं काफ़ी, इसमें आपको ट्यूब्स मिल रहे हैं। फोर्थ, इसमें आप आराम से 3 से 4 यूजेस ईजिली निकाल लोगे। फिफ्थ, मेरी स्किन पे ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मेरी स्किन ऑयली स्किन है एंड विंटर्स में ड्राई हो जाती है बट मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रही है, खिंच नहीं रही है, आई लव्ड द इफेक्ट ऑफ इट। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि ये अच्छा खासी बॉक्स में आपको मिल जाती है, तो आप अपना अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप इजीली अपने साथ कैरी करके ट्रैवल कर सकते हो एंड इसमें आपको किसी और बंदे की नीड नहीं है, आप अपने आप सारा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो एंड विद इन नो टाइम आपको शायद ही आधे घंटा लगेगा एंड आधे घंटे में आपको एक क्लियर स्किन मिल जाएगी। सो किसी भी बड़े इवेंट से पहले आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। सो ओवरऑल मुझे ये फेशियल किट बहुत अच्छी लगी, वैल्यू फॉर मनी लगी एंड मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा इसने। सो अगर आप इसे ट्राई आउट कर रहे हो तो आप इसे बाय कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और ट्राई आउट करो तो मुझे प्लीज़ बताना कि इसके रिजल्ट्स आपके साथ कैसे रहे। मेरे साथ ये बहुत अच्छा वर्क करा है, मैं फ्यूचर में इसकी ब्राइटनिंग वाली वीडियो भी बनाऊंगी जब भी मैं इसको ट्राई आउट करूंगी, बट ये फेशियल मेरा अभी के लिए डन हो गया है एंड अभी मैं 1-2 वीक्स तो अराउंड इसको रहन दूंगी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट फेशियल करूंगी एंड देन मैं आपको आपके सामने ही करूंगी ब्राइटनिंग वाला शायद। सो यस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग लगी हो और ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप भी ट्राई आउट कर चुके हो या कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपने। सो यस, विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो, आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, आई लव यू गाइज अ लॉट, बाय बाय।